मुकलेट का एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में इक्वेशन गेवन है जिसको सॉल्व करना है इक्वेशन है रूट थ्री कॉस टीटा माइनस थ्री साइन टीटा इक्वल टू फोर साइन टू टीटा इन टू कॉस थ्री टीटा इसमें रूट थ्री कॉस टीटा माइनस थ्री साइन टीटा है यहाँ पे फोर साइन टू टीटा कॉस थ्री टीटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टू साइन है कॉस बी टू टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फोर को लिखेंगे टू इंटू टू टू इंटू टू टू साइन टू टीटा कॉस थ्री टीटा के लिए फॉर्मूला तो ये जो फॉर्मूले से टू फॉर्मूले में चले गए बचे हुए टू यहां पे आ गए साइन ऑफ ए प्लस बी ए प्लस बी यानी टू टीटा प्लस थ्री टीटा दैट इज फाइव टीटा बाद में प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी टू टीटा माइनस थ्री टीटा माइनस टीटा साइन ऑफ माइनस टीटा माइनस साइन टीटा यानी प्लस का हो गया माइनस साइन साइन ऑफ माइनस टीटा दैट इज माइनस साइन टीटा उसके बाद में ब्रैकेट ऑफ करना है रूट थ्री कॉस टीटा माइनस थ्री साइन टीटा इक्वल टू टू साइन फाइव टीटा माइनस टू साइन टीटा इसमें माइनस टू साइन टीटा को ट्रांसफर किया तो माइनस थ्री साइन टीटा प्लस टू साइन टीटा माइनस थ्री साइन टीटा प्लस टू साइन टीटा दैट इज माइनस साइन टीटा यानी रूट थ्री कॉस टीटा माइनस साइन टीटा इक्वल टू टू साइन फाइव टीटा टू से डिवाइड करना है डिवाइड बाई टू रूट थ्री बाय टू इंटू कॉस टीटा माइनस वन बाय टू इंटू साइन टीटा इक्वल टू साइन ऑफ फाइव टीटा यहाँ पे कॉस है कॉस भी माइनस साइन है साइन भी फॉर्मूला लाना है तो दोनों टर्म कॉस में होना है। तो रूट थ्री बाय टू मीन्स कॉस फाइव बाई सिक्स वन बाय टू यानी साइन फाइव बाई सिक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कॉस ऑफ टीटा प्लस फाइव बाई सिक्स और साइन को कन्वर्ट करेंगे कॉस में साइन ऑफ़ थीटा प्लस फाइव आई सिक्स इक्वल टू कॉस फाय टू माइनस फाय थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा थीटा इक्वल टू ट्विस्स एन फाय प्लस माइनस अल्फा थीटा इक्वल टू फोर ना कौन सा है टू एन फाय प्लस माइनस अल्फा अल्फा याने पाइ बाय टू माइनस थीटा और थीटा ठीटा ये थीटा प्लस फाय सिक्स एंड द फॉर टीटा प्लस पाई आई सिक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई आई टू माइनस फाइव टीटा अब एक लेंगे सॉल्यूशन प्लस के लिए एक माइनस साइन के लिए पाई प्लस पाई प्लस टीटा प्लस फाइव आई सिक्स टू ट्वेल्स एन पाई प्लस माइनस पाई आई टू माइनस फाइव टीटा तो एक पॉजिटिव साइन और एक नेगेटिव साइन बाद में फाइव बाई सिक्स ट्रांसफ़र किए तो थीटा और माइनस फाइव थीटा को इधर लेफ्ट में लेके आ गए तो थीटा प्लस फाइव थीटा इक्वल टू टू एन पाए प्लस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई सिक्स और माइनस माइनस प्लस फाइव थीटा माइनस माइनस प्लस फाइव थीटा फाइव थीटा ट्रांसफर यानी थीटा माइनस फाइव थीटा इक्वल टू टू एन पाए माइनस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई सिक्स सिक्स टीटा इक्वल टू टू एन पाए फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई सिक्स एल सी सिक्स न्यूमरेटर थ्री पाए माइनस पा दट ईज टू पाए टू फाय बाय सिक्स एंड पाई बाय थ्री टीटा माइनस फाइव टीटा है माइनस फोर टीटा इक्वल टू टू एन पाए माइनस टू फाइव बाय थ्री माइनस फाइव बाय टू माइनस फाइव बाय सिक्स एलसी में सिक्स न्यूमरेटर माइनस टू पाए माइनस पाए माइनस थ्री फाय बाय सिक्स माइनस थ्री फाइव बाय सिक्स अने माइनस बाय टू माइनस फोर बाय सिक्स दैट इज माइनस टू फाइव बाय थ्री एंड सिक्स से डिवाइड किए तो थीटा इक्वल टू टू एन पाए एन साई बाय थ्री प्लस फाइव बाय सिक्स अपॉन इन वन बाय सिक्स यानी फाइव बाय एटीन और थीटा इक्वल टू टू एन पाए अपॉन माइनस फोर यानी माइनस एन पाई बाय टू माइनस माइनस प्लस टू एन ट्वाइस पाए अपॉन ट्वेल्व यानी फाइव बाय सिक्स प्लस फाइव बाई सिक्स योगे दोनों सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन find the total number of integral values of n so that equation as sin x in bracket sin x plus cos x equal to n has at least one root comes to come a root ek solution root mein solution at least one solution equation as sin x into sin x plus cos x equal to n Yabe, sin square x plus sin x cos x equal to n sin square x trigonometric formula 1 minus cos 2x upon 2. और टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किए मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय टू तो टू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन टू टू साइन एक्स कॉस एक्स एन एर साइन टू एक्स साइन टू एक्स बाय टू इक्वल टू एन टू से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन टू एक्स इक्वल टू टू एन वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू टू एन वन ट्रांसफ़र किए तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन टू एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन टू एक्स एन साइन टू एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टू एन माइनस वन

ए यानी थीटा का कोप्शन बने साइन थीटा का कोब्शन थीटा का कोब्शन है माइनस वन साइन टीडा का कोबिशन है वन तो अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर यानी रूट टू ये वैल्यू माइनस रूट टू और रूट टू के बीच में माइनस रूट टू लेस देन और इक्वल टू साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स लेस देन और टू रूट टू साइन टू एक्स माइनस कॉस टू एक्स का लिखेंगे टू एंड माइनस वन दोनों साइड में वन ऐड करना है यहाँ पे वन ऐड किया तो वन माइनस रूट टू यहाँ पे वन ऐड किया तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल ट्वाइस एन वन ऐड किया तो वन प्लस रूट टू यानी स्टेप आगे गई वन माइनस रूट टू लेस देन और लेस देन और टू से डिवाइड करना है यानी एन की वैल्यू एन की वैल्यू के लिए माइनस वन वन माइनस रूट टू अपॉइंट टू लेस देन और लेस देन और टू वन प्लस टू रूट टू के लिए वन पॉइंट फोर वन फोर वन माइनस वन पॉइंट फोर वन फोर है ना माइनस ज़ीरो पॉइंट फोर वन फोर डिवाइड बाई टू और यहाँ पे आएगा टू पॉइंट टू पॉइंट फोर वन फोर डिवाइड बाई टू यानी वन पॉइंट समथिंग वन पॉइंट समथिंग और माइनस जीरो पॉइंट समथिंग इसके बीच में इंटीजर वैल्यूज आती है दो एक जीरो और वन एंड दर एन शुड वी ज़ीरो और वन एन की दो वैल्यूज रहेंगे एन इक्वल टू जीरो एन इक्वल टू वन उसके बाद में सॉल वन माइनस साइन टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वेशन है वन माइनस साइन टू एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स वन माइनस साइन टू एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर वन माइनस साइन टू एक्स दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को ट्रांसफर करेंगे ब्रैकेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन ब्रैकेट में बचेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो यानी कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स से डिवाइड किया तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स इक्वल टू वन टेन एक्स इक्वल टू वन और यहाँ पे वन बाय रूट टू से मल्टीप्लाई करना है वन बाय रूट टू कॉस एक्स माइनस वन बाय रूट टू साइन एक्स इक्वल टू वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू यानी कॉस फाइव बाय फोर वन बाय रूट टू यानी कॉस साइन फाइव बाय फोर ये हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव बाय फोर इक्वल टू कॉस फाइव बाय फोर टेन एक्स इक्वल टू वन मीन्स टेन फाइव बाय फोर टेन टीटा इक्वल टू टेन अल्फा का फॉर्मूला टीटा इक्वल टू एन पाए प्लस अल्फा यानी एक्स इक्वल टू एन पाए प्लस फाइव बाई फोर यहाँ पे कॉसा टू कॉस अल्फा का फॉर्मूला एक्स प्लस फाइव आई फोर इक्वल टू ट्वाइस एन फाइव प्लस माइनस फाइव आई फोर ऐसे दो सॉल्यूशंस इसके एक्स इक्वल टू एन फाइव प्लस फाइव बाई फोर टेन टीटा टू टेन फाइव बाई फोर और एक्स प्लस फाइव बाई फोर इक्वल टू ट्वाइस एन फाइव प्लस माइनस फाइव बाई फोर यहाँ पे दो सॉल्यूशंस आएंगे एक प्लस के लिए एक माइनस साइन के लिए एक्स प्लस फाइव बाई फोर इक्वल टू टू एन पाई प्लस फाइव बाई फोर यहाँ पे टू एन पाए माइनस फाइव बाई फोर यहाँ पे फाइव बाई फोर कैंसिल हो गया यानी एक सोल्यूशन एक्स इक्वल टू टवाइस एन पाई फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर ट्रांसफर फोर माइनस फाइव बाई फोर कैंसिल ये फाइव बाई फोर ट्रांसफर किया तो माइनस फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर दैट इज माइनस टू फाइव बाई फोर मीन्स माइनस फाइव बाई टू यानी एक्स इक्वल टू एन पाए प्लस फाइव बाई फोर और एक्स इक्वल टू टू एन पाए एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस फाइव बाई टू थ्री सोल्यूशंस फाइन द नंबर ऑफ the ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन है फाइव रेस टू वन बाय टू प्लस फाइव रेस टू वन बाय टू प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स टू देश फाइव इक्वल टू फाइव फिफ्टीन रेस टू वन बाय टू प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस फिफ्टीन फॉर एक्स बिलोंग्स यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखेंगे इक्वेशन लिखने के बाद इंडेक्स का ये रूल है ए टू द पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन ये रूल अप्लाई करना है फाइव रेस टू वन बाय टू प्लस फाइव रेस टू वन बाय टू इंटू फाइव रेस टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस फाइव फिफ्टीन रेस टू वन बाय टू प्लस क्या इन लॉग फिफ्टीन रेस टू फिफ्टीन रेस टू लॉग ऑफ कॉस एक्स टू द बेस फिफ्टीन बाद एक है ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए बेस और लॉक का बेस यदि सेम है तो इट इज इक्ट एक्स लॉक का बेस और ये बेस दोनों सेम है ए तो आंसर विल भी एक्स तो फाइव एस टू लॉग ऑफ साइन एक्स टू देश फाइव फाइव और ये फाइव सेम है तो इसका आंसर हो गया ये साइन एक्स और यह बेस और लॉक का बेस सेम है तो यह टर्म हो गया कॉस एक्स यूजिंग द फॉर्मला और फाइव रेस्ट टू वन बाय टू प्लस फाइव रेस टू वन बाय टू इंटू साइन एक्स इक्वल टू फिफ्टीन यानी थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन रेस्ट टू वन बाय टू मींस थ्री रेस्टू वन बाय टू इंटू फाइव रेस्ट टू वन बाय टू कॉस एक्स फाइव रेस्ट टू वन बाई टू से डिवाइड करना है डिवाइड बाय फाइव रेस्ट टू वन बाय टू यानी वन प्लस साइन एक्स इक्वल टू थ्री रेस्टू वन बाय टू यानी रूट थ्री इंटू कॉस एक्स साइन एक्स को ट्रांसफर रूट थ्री कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू वन बाद में डिवाइड बाय टू टू से डिवाइड किए तो रूट थ्री कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इक्वल टू वन बाय टू रूट थ्री बाय टू को कॉस में लिखना है और वन बाय टू को साइन में लिखना है रूट थ्री बाय टू एन कॉस फाइव बाय सिक्स कॉस थर्टी और वन बाय टू में साइन फाइव बाय सिक्स साइन थर्टी डिग्री अब दोनों टर्म कॉस में आ रही तो इसको भी कॉस में लिखेंगे रूट थ्री बाय टू ए कॉस फाइव बाई सिक्स वन बाय टू में साइन फाइव बाई सिक्स और वन बाय टू एने कॉस फाइव बाय थ्री कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स इक्वल टू कॉस फाइव बाई थ्री कॉस सीटो इक्वल टू कॉस अल्फा टीटो इक्वल टू ट्वेस एन पाई प्लस माइनस अल्फा यानी एक्स प्लस फाइव बाई सिक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस फाइव बाई थ्री एन बिलोंग्स टू जेड एक प्लस फाइव बाई थ्री लेके दूसरा सोल्यूशन माइनस फाइव बाई थ्री के लिए टेकिंग प्लस साइन देन टेकिंग यर माइनस साइन π बाई सिक्स ट्रांसफर यानी एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस फाइव आई थ्री माइनस 6 बाई सिक्स एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स यानी फाइव 6 सिक्स माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स एटीन माइनस फाइव बाई टू तो दीज आर द टू सोल्यूशंस ये दो गए सोल्यूशन्स अब इसमें दो सोल्यूशन्स में टू एन फाई माइनस फाइव टू टू यहाँ पे एक्स और वाई दोनो, दोनों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव है साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव है अब दोनों पॉजिटिव रहने के लिए ये यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट जा रहा है टू एन पाई माइनस पाव आई टू फोर्थ क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है साइन पॉजिटिव नहीं है एंड द फॉर वी रिजेक्ट दिस सोल्यूशन ये सेकंड सोल्यूशन रिजेक्ट हो गए एंड दफर एक्स एक टू टू एन पाए प्लस फाइव आई सिक्स साइन बिलोंग्स टू जेड क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों पॉजिटिव आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल हो गया सोल्यून फोर्थ क्वाड्रेंट का हो गया फोर्थ में सिर्फ कॉस एक्स पॉजिटिव है साइन एक्स निगेटिव है सो ये दिस वन विल बी रिजेक्टेड इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू जीरो टू टू पाई क्लोज इंटरवल टू पाई देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर फेयर्स एक्स वाई सेटिस्फाइंग साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू वन इक्वेशन है साइन एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू वन अब दो टर्म का प्रोडक्ट वन का हुआ था दोनों टर्म पॉजिटिव है दोनों टर्म दो वन है वन इंटू वन आंसर वन या माइनस वन इंटू माइनस वन इट इज ऑल्सो वन एंड देखो तो साइन एक्स इक्वल टू वन एंड कॉस कॉस वाई इक्वल टू वन और साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड कॉस वाई इक्व टू माइनस वन दोनों माइनस वन या दोनों वन अब पहली टर्म लेते हैं साइन एक्स इक्व टू वन एंड कॉस वाई इक्व टू वन ये दोनों के लिए एक्स इक्वल साइन पाई बाई टू वन है यानी एक्स के वैल्यू हो गया पाव बाय टू कॉस जीरो वन है कॉस टू पाई भी वन है तो वाई के दो वैल्यूज आ रहे हैं जीरो टू जीरो और टू पाई यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर्स हो गए पाई बाय टू कॉमा जीरो पाई बाय टू कॉमा टू पाई दो ऑर्डर पेयर्स ऑर्डर पेयर एक्स कॉम वाई अब ये इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन कॉस वाई इक्वल टू माइनस वन साइन एक्स इक्वल टू माइनस वन यानी एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाय टू क्योंकि अपने को ना जीरो टू टू पाई के बीच में एक्स और वाई तो माइनस वन वैल्यू कब है एक्स इक्व टू थ्री बाय बाय टू के लिए साइन ऑफ थ्री पाए बाई टू माइनस वन तो एक्स इक्व टू माइनस एक्स इक्व टू थ्री पाए बाय टू और सेकंड वाई इक्व टू माइनस वन कॉस पाए माइनस वन है तो वाई की वैल्यू हो गए फाइव यानी सेकंड इसमें एक ऑर्डर पेयर थ्री बाय बाय टू कॉम पाई एंड द फोर द टोटल पॉसिबल ऑर्डर फेयर्स आर फाई बाय टू कॉमा जीरो फाइव बाय टू कामा टू पाए थ्री पाए बाय टू कामा पाए ऐसे थ्री ऑर्डर पेयर्स हो गए इसमें क्वेश्चन आ सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड फेयर्स या ऑर्डर्ड फेयर्स कौन कौन सी है ऐसे ऑप्शन में दे तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है इफ थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस ए एक्स इक्ल टू सेवन एटलीस्ट वन सोल्यूशन देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स इक्वल टू सेवन ये पॉसिबल कब रहेगा साइन एक्स इक्वल टू वन और फो कॉस एक्स इक्वल टू वन यानी थ्री इंटू वन थ्री प्लस फोर इंटू वन फोर इक्वल टू सेवन यानी दिस विल बी ट्रू इफ साइन एक्स इक्वल टू वन एंड कॉस ए एक्स इक्वल टू वन साइन साइन एक्स इक्वल टू वन के लिए फार्मूला है जो लिखा था अपने बुकलेट में एक्स इक्वल टू फोर एन प्लस वन इंटू फाइव आई टू साइन एक्स इक्वल टू वन देन एक्स इक्व टू फोर एन प्लस वन इंटू फाइव आई टू दिस इज द फार्मूला बुकलेट के अंदर लिया हुआ है और कॉस एक्स इक्वल टू वन कॉस एक्स इक्वल टू वन यानी कॉस एक्स इक्वल टू कॉस जीरो भी फॉर्मूला है इधर एम लिया दोनों एन चलते हैं दोनों भी एन लिख सकते हैं बिलोंग्स टू Z, अब दोनों भी सोल्यूशन यहाँ पे एंड आ गए एंड यानी दोनों भी सोल्यूशन सेम है यानी यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है वही एक्स वैल्यू यहाँ पे ले रहेंगे यानी एक्स की वैल्यू फोर एन प्लस वन पाई बाई टू इक्वल टू एक्स वैल्यू टू एम अपॉन ए दोनों इक्वल लेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे दोनों साइड से पाई कैंसल पाई कैंसल करने से ये टू इधर क्रॉस में मल्टीप्लाई की तो फोर एम अपॉन ए टू फोर एन प्लस वन ए इक्वल टू फोर एम अपॉन फोर एन प्लस वन दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए ए की पॉसिबल वैल्यूज सॉल्व द इक्वेशन कॉसरिस टू फिफ्टी एक्स माइनस साइन रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू वन इक्वेशन है कॉस रेस टू फिफ्टी एक्स माइनस साइन रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू वन कॉस रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन रेस टू फिफ्टी एक्स कॉस की वैल्यू माइनस वन और वन के बीच में रहती है कॉस का पावर फिफ्टी है तो वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन लेस देन और इक्वल टू वन Uh, यहाँ पे भी ये वैल्यू लेस देन और इक्वल टू वन लेकिन वन ऐड हो गया तो ये वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन यानी लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन और इक्वल टू राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन क्योंकि यहाँ पे वन ऐड करने के बाद आंसर वन से ग्रेटर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन अब दोनों कब ट्रू रहेंगे दोनों इक्वल कब रहेंगे यदि वैल्यू इक्वल टू वन आती है तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल कब आएगा दोनों भी वैल्यू इक्वल टू वन रहे तो विल बी ट्रू कॉस रेस टू फिफ्टी इक्वल टू वन प्लस साइन रेस टू फिफ्टी इक्वल टू वन अब ये वन प्लस एक्स इक्वल टू वन तो साइन रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू जीरो साइन रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो मींस एक्स इक्वल टू एन पाई सोल्यूशन एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड यहाँ पे माइनस साइन रेस टू फिफ्टी एक्स को ट्रांसफर किया, कॉस रेस टू फिफ्टी एक्स के लिए लेस ले देन और इक्वल टू वन वन प्लस साइन रेस टू फिफ्टी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और टू वन तो ये वैल्यू लेस देन और वन तो करने के बाद आंसर वन से ग्रेटर हो गया ग्रेटर देन और टू वन तो दोनों इक्वल ट्रू कवरेंगे, रहेंगे दोनों इक्वल कव रहेंगे टू तो वन यानी कॉस रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू वन प्लस साइन रेस टू फिफ्टी एक्स इट इज इक्वल टू वन ये वन प्लस रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू वन तो साइन रेस टू फिफ्टी एक्स इक्वल टू जीरो साइन एक्स इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एक्स इक्वल टू एन